ओके दोस्तों, 3D से रिलेटेड वीडियोस एंड ट्यूटोरियल्स आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। हमारे चैनल 3D कैप्सूल को लाइक करना न भूलें और लेटेस्ट वीडियो एंड ट्यूटोरियल्स की इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके ओके दोस्तों, लास्ट चैप्टर में अपन ने बना के देखा था ऑटोकैड प्लान को इंपोर्ट किया, देन 3D मैश लाइन से हमने एक मॉडल क्रिएट किया। हमने वॉल्स में विंडो एंड डोर्स के लिए वर्टिसेस क्रिएट किए एंड देन इसे एक्सट्रूड किया। ओके, रेक्टेंगल लेते हैं। सबसे पहले कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन। स्प्लाइन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वर्टेक्स, सेगमेंट्स, स्प्लाइंस, ये सब हमें तभी मिलेगी जब हम किसी भी शेप को राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करते हैं। देन वर्टिसेस को कॉर्नर में हमने चेंज कर लिया, वर्टिस की टाइप। ओके, रेक्टेंगल है, रेंडरेबल इसे ऑन करते हैं। रेंडरिंग में हमें रेंडरेबल ऑन मिलता है ऑप्शन। देन हम इसे रेडियल टाइप की थिकनेस दे सकते हैं और इसे हम रेक्टेंगुलर भी कर सकते हैं। ओके, मैंने इसी थिकनेस दे दी 6 इंचेस बाय 6 इंचेस। ओके, जब कभी हमारे व्यूपोर्ट प्रॉब्लम देने लग जाए देन हम होम पर क्लिक कर सकते हैं। हम क्रिएट करते हैं अब एक प्लेन। ओके, ये आई थिंक सही जगह नहीं बना है, पर्सपेक्टिव में देखते हैं। ओके, ये मेरी उस लेयर में बना होगा। नहीं सर, फिर से हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, फ्लोर पर ये बन रहा है, डिलीट करते हैं इसे। फिर से हम व्यू लेते हैं, वी प्रेस करने से व्यूपोर्ट लिस्ट आ जाती है। देन सेलेक्ट बैक व्यू। ओके, मटेरियल एडिटर अभी हम नहीं लेते हैं, हमने प्लेन बनाया है। फ्रेम का कलर हम चेंज करते हैं एक बार। ओके, ब्लेंडर सेटिंग, हम जो मटेरियल्स लगाना चाहते हैं बेसिकली वीरे के, तो हम ब्लेंडर सेटिंग में जाएंगे। F10 इसकी शॉर्ट की होती है, इस पर हमें राइट क्लिक करके नीचे आएगा रोल आउट में असाइन रेंडर्स, इसमें से हमें सेलेक्ट करना है वीरे एडवांस 3.0। हमारे पास वर्जन है एडवांस वीरे 3.0, सेलेक्ट करेंगे रेंडर सेटिंग्स में प्रोडक्शन रेंडर। देन स्टैंडर्ड पर क्लिक किया एंड सेलेक्ट करेंगे हम वीरे मटेरियल स्लॉट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड स्लॉट आता था, देन उसे हम चेंज करेंगे वीरे स्लॉट में। वीरे मटेरियल स्लॉट हमने सेलेक्ट किया। यहाँ में बेसिकली वो सारे ही एट्रीब्यूट्स मिलते हैं जो बेसिक स्टैंडर्ड मटेरियल में होते हैं। ठीक है, हम सेलेक्ट करेंगे वीरे मटेरियल, हमें असाइन करना है मटेरियल हमारे फ्रेम पर, फ्रेम। ओके, डिफ्यूज ऑब्जेक्ट का बेस कलर होता है, हमने सेलेक्ट किया ब्राउनिश वुडन शेड। इस ऑप्शन बॉक्स पे हम क्लिक करके स्टैंडर्ड्स पे क्लिक कर हम किसी भी तरह का कोई बिटमैप यूज कर सकते हैं जो हमारी सिस्टम की लोकल ड्राइव पर अवेलेबल हो। हमने टेक्सचर कॉल किया वुड का एंड साइन किया साइन एंड शो। ठीक है, ये हमारी विंडो है, तो सेंटर का जो हमने प्लेन बनाया है बेसिकली उस पर हम वुड ना लगाकर ग्लास लगाएंगे, लेकिन प्लेन पर अगर हम देखें तो वुडन का टेक्सचर हमें बड़े आसानी से दिखाई दे रहा है अच्छे से, बट फ्रेम पर हमें वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही बिकॉज ऑफ
इमेज के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो प्रॉपरली हमारे रेक्टेंगल फ्रेम पर असाइन नहीं हुए, सो दैट हम यूज़ करेंगे UVW मैप। मॉडिफाइड लिस्ट में से हमने सेलेक्ट करना है UVW मैप, एंड अब आप देख सकते हैं हमें फ्रेम पर भी वुड का टेक्सचर इजीली विजिबल हो रहा है। ओके ठीक है दोस्तों, देन अगेन हम न्यू स्लॉट लेते हैं, इसे रीनेम कर देते हैं ताकि आपको इसे सेलेक्ट करने में और देखने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। गो टू पेरेंट एंड रीनेम से हम फ्रेम के मटेरियल को नेमिंग दे देते हैं वुडन फॉर फ्रेम्स। ओके विंडो ग्लास हमने नाम दे दिया। हमने ऑब्जेक्ट को भी रीनेम कर दिया विंडो ग्लास, और इसे भी हम रीनेम कर देते हैं, हमने नाम दिया है वुडन फॉर फ्रेम्स। ठीक है, इसी फ्रेम को हम यहाँ से ऑब्जेक्ट को रीनेम कर देते हैं वुडन फ्रेम्स। ओके सो दैट मेटेरियल स्लॉट का जो आपने नाम रखा है, आपने अपने मैश का भी नाम वही रखा है, तो सिलेक्शन और अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी इजी रहेगी किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए। या हम विंडो का टेक्सचर लेते हैं हल्का ब्लूइश शेड, इसमें रिफ्लेक्शन वगैरह टेक्सचर्स हम सब चीज़ें यूज़ करेंगे। फिलहाल डिफर शेड करने के लिए हम यहाँ से लाइट ब्लूश ले लेते हैं। ओके फ्रेम एंड विंडो ग्लास दो चीज़ें हमारे यहाँ के, हमने सेगमेंट सेलेक्ट करते हैं फ्रेम का और इस फ्रेम को अंदर की तरफ शिफ्ट के साथ अंदर की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ एंड स्प्लेन ली हमने, कंप्लीट होती है स्प्लाइन बेसिकली। ठीक है, बेसिकली अब हमारे पास दो स्प्लाइंस हो गई, हमने शिफ्ट के साथ कॉपी किया है एंड ऑब्जेक्ट हमारा कंप्लीट एक ही रहेगा। स्प्लाइंस हमारे पास मल्टीपल हो सकती है लेकिन ऑब्जेक्ट एक ही रहेगा। सेगमेंट हम शिफ्ट के साथ कॉपी की थी, हम वापस से सेगमेंट लेते हैं शिफ्ट के साथ, इसे हम कॉपी करके अनदर फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। ओके सेलेक्ट सेगमेंट, शिफ्ट के साथ हमने दो सेगमेंट कॉपी कर लिए। ओके हमारे फ्रेम के दो सेगमेंट हो गए। ओके जिस तरीके से अभी हमने विंडो फ्रेम्स बनाई हैं उसी तरीके से ये लास्ट एलिवेशन हमने बनाया था, इसी में हमने विंडो फ्रेम्स एंड डोर्स सारी चीज़ें बनाई हैं, कुछ एलिमेंट्स बनाए हैं। इन चीज़ों को डिटेल में मॉडल करना हम सिखाएंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में वीकली।